शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की एकता, मोहनजोदड़ो की सकाफत और तहजीब, दिफाए सिंध पर जान कुर्बान करने वाले शहीद सूर्य बादशाह की सिंध, मुफक्किर आजम जी एम सैयद को लाजवाल जुदोजहद का शरफ बख्शने वाली सिंध, होशुशीदी को मरसूं मरसूं सिंध न डेसूं जैसे अजीम स्लोगन देने वाली सिंध, हेमों कालानी को लाखों दुश्मनों के आगे डट जाने का हौसला देने वाली सिंध, बशीर खान कुरैशी को अजीम लीडर और मसीहा बनाने वाली सिंध, वतन सिंध जिसे दुनिया इल्म अमन और इंसानियत का महावर करार देती रही है। महबूब मिट्टी की सकाफत, तहजीब और ज़िबान की क्या ही बात करें, अजरक टोपी पहनते ही आम सा इंसान हज़ारों सालों की पुरानी रिवायत का अमीन लगता है। आज से कुछ साल कबल एकता का दिन मनाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि सिंधी अपनी रिवायात के अमीन रहे हैं। लेकिन जब कुछ तासब परस्तों ने सिंधी सदर को सिंधी टोपी पहनने पर तनकीद का निशाना बनाया, तो उसी दिन कौम ने फैसला किया कि अब एकता का दिन हर साल मनाएंगे और सारी दुनिया को अपनी ज़िबान, अपने लिबास, अपनी रिवायात और अपने नगमों के ज़रिए खबरदार करेंगे कि हम हज़ारा साल पुरानी कौम हैं। 4 दिसंबर सिंध की ईद का दिन है। कराची से कश्मीर तक सिंध के कूचे कूचे में टोपी, अजरक और दीगर सकाफती लिबास पहने करोड़ों सिंधियों की ज़िबान पर एक ही होगा शब्द, जिए सिंध, जिए सिंध। एकता मीडिया ग्रुप ने गुज़िश्ता कल्चर डे को यादगार बनाया था, जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। इस बार भी हम कौम के हीरोज़ और रिवायत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सफ़े अव्वल में मिलेंगे। ए मेरे हमवतनों, इस बार चैलेंज बहुत बड़ा है। बारिशों और सैलाब से मुतासिर लाखों ख़ानदान भी अपने सफ में खड़े करने हैं। उन्हें हौसला देना है, उन्हें फिर से मुस्कुराना सिखाना है। मोहनजोदड़ो की तहजीब, शाह अब्दुल लतीफ़ के अमन का प्रचार, सूफिया इकराम की खिदमात को ज़िंदा रखना है, जिनकी वजह से हम आज हैं। ए मेरी सिंधु की मौजों के वारिस सिंधियों, अपनी कौम, अपनी सकाफत, रिवायात और अपने हीरोज़ को कभी नहीं भूलना। उन्हें हमेशा अपने जहनों और दिलों में ज़िंदा रखना। एकता डे से मुतलिक आपको मज़ीद तफसीलात देंगे। सिंध की सकाफत, मोहब्बत और बहादुरी के किस्से सुनाने का सिलसिला जारी रहेगा। फ़िलहाल इतना ही। To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.